नमस्कार दोस्तों, एक मॉर्निंग रूटीन होना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर मॉर्निंग रूटीन इन प्लेस होने से आपका दिन प्रोडक्टिव होता है, आप अपने काम पे ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, आपके डेज क्लैरिटी भरे होते हैं, जिससे आप अपने डे वाइज गोल्स को अचीव करते हैं। जब आप हर एक दिन को लेते हैं और उसे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी से भर देते हैं, तो आपका पूरा साल और पूरी लाइफ भी प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल रहती है। आपके सिस्टम्स इन प्लेस रहते हैं, वो टाइम पे एग्जीक्यूट होते हैं, टाइम पे आप गोल्स तक पहुंच जाते हैं। तो मॉर्निंग रूटीन छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये बहुत बड़े रिजल्ट्स शो करती है इन द लॉन्ग रन। अलग अलग लोगों के लिए मॉर्निंग रूटीन अलग अलग हो सकता है। हम अक्सर सोशल मीडिया पर वीडियोस को देख के लोगों के मॉर्निंग रूटीन से इंस्पिरेशन लेते हैं, लेकिन जब हम उनके मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करना शुरू करते हैं तो हम उसे कुछ दिन ही कंटिन्यू कर पाते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल मॉर्निंग रूटीन नहीं होता है हमारे लिए। देखिए, हर किसी इंसान की सुबह की जिम्मेदारियाँ अलग अलग हो सकती हैं। किसी को अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना है, हस्बैंड के लिए टिफ़िन बनाना है, बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना है, घर की साफ़ सफाई करनी है। कोई एक ऑफिस गोइंग है तो उनको ऑफिस जाना है तैयार होके, ट्रैवलिंग का टाइम भी है। तो हम सभी के पास अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जैसे ही हमारी मॉर्निंग शुरू होती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक ऐसे रूटीन को फॉलो करें जो हमारे लिए प्रैक्टिकल हो और यूज़फुल भी हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको चार ऐसे स्टेप्स बताऊंगी जो कि आपको अपने मॉर्निंग रूटीन में इंक्लूड ज़रूर करने चाहिए। मैंने इस मॉर्निंग रूटीन को बहुत ही सिंपल रखा है। सिंपल चीज़ें अक्सर इफ़ेक्टिव होती हैं। आपको सिर्फ एक घंटा निकालने की ज़रूरत है आपकी रूटीन रिस्पॉन्सिबिलिटी से मॉर्निंग में। तो अगर आप अपनी रूटीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करने के लिए 6 बजे उठते हैं तो आपको 5 बजे उठना पड़ेगा, और अगर आप 5 o'clock उठते हैं तो आपको 4 बजे उठना पड़ेगा इस मॉर्निंग रूटीन के लिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या चार चीज़ें हैं जो हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सुबह उठ के करनी, ताकि हमारे डेज प्रोडक्टिव बने रहें। सबसे पहली चीज़ है, आपको करनी है प्रेयर एंड मेडिटेशन। प्रेयर में आप अपने भगवान से बात करें और अपने लिए जो जो चीज़ें आप उस दिन में चाहते हैं वो मांगें। साथ ही आप अपनी जो आइडियोलॉजी है, जो फिलॉसफी है जिसे आप सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं, उसे लिख लिख के याद करें कि दिस इज़ समथिंग विच आई हैव टू लिव बाय। जैसे मेरा एक स्टीव जॉब्स का फेवरेट कोट है जिसे मैं मॉर्निंग में 10 से 15 बार दोहराती हूँ, ताकि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये आराम से सेटल हो जाए और इसी को फॉलो करते करते मेरा हर दिन गुजरे। ये कोट है, ऑल आई आस्क यू इज दैट टुडे यू डू द बेस्ट वर्क ऑफ योर एंटायर लाइफ। तो ये कोट है जो कि मैं पर्सनली बहुत फॉलो करती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ। आप अपने फेवरेट कोट्स, फेवरेट फिलोसफीज को सुबह के 15 मिनट प्रेयर के बाद दोहरा सकते हैं। इससे आपके पूरे दिन की इंटेंशन सेट हो जाती है। तो सुबह के जो 15 मिनट हैं, प्रे कीजिए, अपनी आइडियोलॉजी को याद कीजिए और क्लैरिटी गेन कीजिए बाय मेडिटेशन। दूसरी चीज़ जो आपको अगले 15 मिनट में करनी है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपको जो कंफर्टेबल लगती है वो आप करें। आप चाहे तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, आप चाहे तो योगासनास करें, आप चाहे तो सिंपल वॉक पे निकल जाएं, आप चाहें तो कार्डियो एक्सरसाइजेस कर लीजिए, जुम्बा कर लीजिए, डांस कर लीजिए। आइडिया ये है कि 15 मिनट तक आपने सिर्फ अपनी बॉडी के लिए डिवोट करने हैं। बॉडी में जब किसी भी तरह की एक्सरसाइज और हलचल होती है तो बॉडी में जो फ्रिक्शन है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता है। आप चाहें तो इस 15 मिनट को आप इंक्रीज भी कर सकते हो। 15 मिनट इज़ द बेयर मिनिमम। अगर आपको धीरे धीरे करके ज़्यादा टाइम मिलता है किसी दिन तो आप इसे आधा घंटा भी करें। अब आते हैं हम तीसरी चीज़ पे जो नेक्स्ट 15 मिनट के स्लॉट में आपने करनी है। आपको अपने लिए बनाना है सिंपल, इजी लेकिन बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट। ध्यान रहे कि इस ब्रेकफास्ट में हाई प्रोटीन और हाई एनर्जी हो, क्योंकि ये ब्रेकफास्ट आपके दिन के लिए एनर्जी सोर्स का काम करेगा। प्रोटीन में आप चार्ट्स बना सकते हैं, जैसे कि काले चने का चाट, मूंगफली का चाट, अंकुरित मूंग का चाट, या फिर आप सूजी बेसन के पैनकेक्स बना सकते हैं। साथ ही आप कोई हैवी फ्रूट शेक ले सकते हैं। बॉटम लाइन ये है कि आपको अपना ब्रेकफास्ट सिंपल तरीके से बनाना है, जो कि हाई एनर्जी दे आपको और हाई प्रोटीन हो, ताकि आपका जो प्रोटीन का डेली रिक्वायरमेंट है उसमें से मेजॉरिटी रिक्वायरमेंट आपकी ब्रेकफास्ट में ही पूरी हो जाए। सुबह सुबह हेल्दी ब्रेकफास्ट करने से आप पूरे दिन के लिए सेट हो जाते हैं, और जब आप सुबह हेल्दी खाते हैं तो आपकी ये कोशिश रहती है कि लंच एंड डिनर में भी हेल्दी खाया जाए और बाहर का खाना ऑल टुगेदर अवॉइड किया जाए।
अगले 15 मिनट के स्लॉट में आपको करनी है रीडिंग। रीडिंग जरूरी नहीं है कि आप किताब की ही रीडिंग करें, आप चाहे तो कोई न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, कोई मैगजीन पढ़ सकते हैं, या फिर आप इंटरनेट पे कोई आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। आइडिया ये है कि सुबह सुबह आपको अच्छी चीज़ें पढ़नी है जो कि आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करें, आपका ज्ञान वर्धन करें। आपके जो टॉपिक्स हैं वो अलग अलग इंसान के हिसाब से, अलग अलग टॉपिक्स में उसे इंटरेस्ट हो सकता है। तो ये है मेरा आइडियल मॉर्निंग रूटीन। 15 मिनट्स के स्लॉट हैं, एक बार दोबारा हम इसे रिपीट कर लेते हैं। शुरू के 15 मिनट आपको करनी है प्रेयर, अपनी आइडियोलॉजी को रिवाइज करना है और थोड़ी सी मेडिटेशन करनी है टू गेन क्लैरिटी अबाउट द डे। अगले 15 मिनट के स्लॉट में आपको करनी है एक्सरसाइजेस जैसे कि योगा, वॉकिंग या फिर घर में ही कार्डियो, जुम्बा एक्सेट्रा। अगले 15 मिनट के स्लॉट में आपको बनाना है अपने लिए एक बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट जो कि क्विक हो लेकिन हेल्दी भी हो। और लास्ट के 15 मिनट के स्लॉट में आपको करनी है रीडिंग। ज़रूरी नहीं है बुक की रीडिंग हो, मैगजीन भी हो सकती है, आर्टिकल्स भी हो सकती हैं। तो ये था आइडियल मॉर्निंग रूटीन जो कि आप फॉलो कर सकते। रूटीन फॉलो करने के बाद भी आपके पास टाइम बचता है तो इनमें से जो भी आपका फेवरेट स्लॉट है उसका टाइम आप इंक्रीज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आई एम श्योर कि ये वर्किंग लोगों के लिए, जो लेडीज़ बहुत बिजी होते हैं इन द मॉर्निंग, उन सभी के लिए ये रूटीन प्रैक्टिकली काम करेगा। आपको सिर्फ डिवोट करना है 1 घंटा अपने लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। एक और हेल्पफुल वीडियो के साथ मैं फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।